जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग बेटा। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपको बेटे ऐसे फैक्टर फॉर्म में दिए जाएं ना, तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट याद रखिए बेटे, आपने आपको क्या करना होगा, अगर आपको दिया जाए x प्लस ए, एक्स प्लस बी और फिर x प्लस सी, एक्स प्लस डी प्लस ई या समथिंग, ये ए बी सी डी कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो बेटे आपने इसकी तरतीब ऐसे करनी है कि ए और बी को जब ऐड किया जाए वो उसका रिजल्ट इक्वल आए सी प्लस डी करने से, यानी कि इन दो को ऐड करने से रिजल्ट इक्वल आना चाहिए इन दो को ऐड करने से। ठीक है, जैसे सवाल करते हैं फिर समझ आएगी आपको। 2 और 3 को अगर मैं जमा करता हूँ तो आते हैं 5, 4 और 5 को जमा करने पर आता है 9, 9 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी तरतीब ठीक नहीं है, हमें इसकी तरतीब को ठीक करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फर्स्ट रीअरेंज। अब रीअरेंज कैसे करना है, मैंने देखें अगर मैं इसको कर दूँ 2 के साथ 5 को ऐड कर लूँ 7 आ जाएगा, 3 के साथ 4 ऐड कर लूँ तब भी 7 आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर बेटा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 15। अब देखें 2 को जब मैं 5 में जमा करूँगा 7, 3 को 4 में जमा करूँगा तब भी 7 ही आएगा, तो आपने पहले इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेना है मेरे बेटे। ओके, जब ये रीअरेंज हो जाए तो आपने क्या करना है, 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, चलें देखते हैं करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा रिजल्ट हमारा, फिर एक्स मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5x आएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स करने से 2x आएगा, 2 5 10 आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग बेटा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 4 4x, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, 3 4 12 माइनस 15 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या करना है बेटे हमें, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x कर दें कितने आ जाएंगे, ये 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 3x कितने हो जाएंगे, ये भी 7x प्लस 12 माइनस 15 आ जाएगा। बेटे हमने इसको रीअरेंज क्यों किया, रीअरेंज करने का मकसद ये था कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके जो फैक्टर्स के जो टर्म्स हों वो सेम आ जाएं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x सेम आ गई। अब आपको पता है आगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया था, लेट करेंगे वाई के इक्वल, जो टर्म सेम होती है हमें उसको वाई का नेम दे देना है, इसकी जगह भी वाई रिप्लेस कर दें, इसकी जगह भी वाई रिप्लेस कर दें। जी देखें तो ये बन जाएगा वाई प्लस 10, इसकी जगह पर वाई आ गया तो ये बन गया वाई प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15 आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई कीजिए बेटा इन फैक्टर्स को आपस में, y मल्टीप्लाई y, y स्क्वायर y मल्टीप्लाई 12 y, 10 मल्टीप्लाई y प्लस 10 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 120 माइनस 15 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना होगा हमें, y स्क्वायर प्लस 12 y और 10 y कितने हो जाएंगे 22 y प्लस 105, 120 में से माइनस कर दिए। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 105 आए और उनको प्लस या माइनस करने पर 22 आए, आगे ढूंढ लेते हैं फैक्टर। 1 मल्टीप्लाई 105 कितना होता है 105, 2 का टेबल नहीं जाएगा तो 3 3 9, 3 5 15 ये भी 105, 4 का टेबल नहीं जाएगा 5 का करते हैं, 5 2 10, 5 1 5 ये भी 105, 6 का करके देख 6 का टेबल भी नहीं जाएगा 7 का जाएगा, 7 1 7 3, 7 5 35 होते हैं 105। ओके बेटे, अब देखें 7 और 15 को अगर ऐड किया जाए तो 22 आएगा और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 105 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर हमारे लिए बेहतर है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म सेम लास्ट टर्म सेम प्लस 7y प्लस 15y। ओके, कॉमन क्या आएगा बेटे, y कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही y कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, y प्लस 7 प्लस 15 कॉमन आएगा, y प्लस 15 7 105।
तो बेटे ब्रैकेट के अंदर सेम क्या टर्म आ रही है, वाई प्लस सेवन, ब्रैकेट के बाहर क्या है, वाई प्लस फिफ्टीन। एट द एंड आपको पता है हम y की जगह क्या करते हैं, y की जो वैल्यू लेट की थी उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, y की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स, प्लस सेवन वैसे का वैसे, एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन वैसे का वैसे। इस तरह से बेटे हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझें, अगर कोई बात समझ नहीं आई बेटे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ।